फंदोसी ओल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड के जानिब से हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्ला अलैह के कुल शरीफ की फातिमा की रस्म सोशल डिस्टेंस के साथ मदरसा गोसुल आलम ने की। आज हुए कार्यक्रम में सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान खानी की गई। सुबह 9 बजे नाते शरीफ व हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्ला की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। हाफिज मतीन अशरफी ने कहा कि ईरान के बादशाह होने के बावजूद हजरत की जिंदगी सादगी भरी थी। एक एक नबी की सुन्नतों पर अमल करके उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया था। अगर हम लोगों को भी कामयाब होकर जिंदगी गुजारनी है तो नबी के बताए रास्ते पर चलना होगा। असर की नमाज के बाद कुल शरीफ में कोरोना के खात्मे व मुल्क और कौम के लिए दुआ की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़ासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए हज़रत सैयदना सैयद उहुदुद्दीन अशरफ की चौथवीं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज विसाल मुबारक का दिन है, जो कि आपने बाद नमाज असर 28 मुहर्रमुल हराम को इस दारे फ़ानी से पूछ किया। आज उन्हीं का ये जश्न, उन्हीं का ये कुल शरीफ की फातिहा की तकरीब में आज तमामी लोग हम इकट्ठा हुए। आज हमने लोगों को जो पैगाम दिया है और पैगाम देना चाहते हैं, हज़रत मखदूम पाक की तालीमात ये थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मोहब्बत, रवादारी, यकजहती और इंसानियत का आपका ये पैगाम था, आपकी ये तालीमात का अमल था। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आपकी बारगाह में आता, आपसे कोई बात पूछता, वो बात मालूम करने के बाद अपने कल्ब को, अपने जिगर को, अपने दिल के अंदर बड़ा सुकून महसूस करता था। तो आज ये उसी की वजह है। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तालीमात का, उनकी रूहानी ये फैज़ है, ये उनकी ये करामतें हैं जो आज हम ये जश्न मना रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उनके मानने वाले हैं और क़यामत तक जब तक दुनिया रहेगी हज़रत सैयदना गौसुल आलम मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले रहेंगे, उसना जश्न मनाते रहेंगे। और आपकी ये तालीमात भी थी, लोगों को गंगा जमुना तहजीब आप लोगों को सिखाते थे और साथ ही साथ अपने मज़हब के बारे में लोग बताते थे, तबलीग करते थे कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, नमाज से सुकून हासिल होता है और आपस में मोहब्बत रवादारी पैदा करो।